यो 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 एनिमे लवर्स, वन पीस का चैप्टर 1030 अच्छा था, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हुए दिखा, लेकिन मुझे थोड़ा ख़राब भी लगा इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को देख के। आई एम एक्सपेक्टिंग तुमने अभी तक 1030 रीड कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लो, फिर ये वीडियो देखो क्योंकि मैं चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन देगा। इंट्रो देख लो ये लो। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, बिलीबिली कॉमिक्स, इस वेबसाइट को विजिट करना मत भूलना मस्त मस्त कॉमिक्स के लिए। और एक्चुअली मेरा ना इनके साथ बहुत लंबे टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो बिलीबिली बहुत दिखने वाला है तुम्हें। बट लेट मी बी ऑनेस्ट, वेबसाइट में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमिक्स है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिंड लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके तुम डायरेक्टली इसके वेबसाइट में पहुँच जाओगे। तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद देख लेना। एंड अब इंटीरो बजा देता है मैं। लेट्स बिगिन। ये चैप्टर रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे लास्ट वाले वीडियो में मैंने बोला था कि मुझे किड लॉ बिग मॉम वाला फाइट और देखना है, और ये चैप्टर उस फाइट में बहुत ज़्यादा फोकस किया। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि लॉ को स्पॉटलाइट मिलना चाहिए, मोर लाइक उसको भी मस्त वे में दिखा दिए तो मज़ा आएगा, और वो चीज़ भी इस चैप्टर में हुआ। किड लॉ बिग मॉम वाले फाइट की वजह से ही ये चैप्टर मस्त लगा, लेकिन इस फाइट के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हुए दिखा, और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इसको देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मतलब अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली दो चीज़ इस चैप्टर का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बाकी ये चैप्टर मस्त था। पहले तो बात करते हैं चैप्टर के फर्स्ट हाफ का। अप्पू और ड्रेक फेस टू फेस बात करते हुए दिखे, और अप्पू ऑफर किया ड्रेक को कि लेट्स मेक एन अलायंस। नाउ द थिंग इज़ दोनों ही दोगले हैं तो दोनों के तरफ से ट्रस्ट इशूज़ बहुत हैं, लेकिन इन दोनों जब बात करते हुए दिखते हैं इनके पीछे तीन बड़े बड़े पंख हजार वाले जायंट्स भी दिखते हैं, और उनका एक्सप्रेशन बहुत क्रीपी टाइप से। वेल आई डोंट नो कि अब ड्रेक या अप्पू इस वॉर में कोई बहुत बड़ा रोल निभाएंगे, इसलिए इनके प्रोग्रेस से मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट शायद तक ऐसा पॉसिबल है कि इन लोगों का एक टेम्प्रेरी अलायंस बाद में दिखने मिले अपने को। ओह हाँ, अप्पू ना समझ चुका है कि ड्रेक मरीन का जासूस है, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ड्रेक को इस चीज़ से फ़र्क पड़े और मतलब बाद में, और ये भी हो सकता है कि इस चीज़ को छुपाने के लिए ड्रेक अप्पू को भर दे। बट टू बी ऑनेस्ट, इन लोग लड़े मरे मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। नामी उसोप तामा लोग भी दिखे हैं इस चैप्टर में, और मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा कि उनके साथ कोमाचियो भी है जो कि इंजर्ड है बट सेफ है। शायद इनका रियूनियन किनेमोन के साथ हुआ, और सच बता रहा किनेमोन को देख के मेरे को बहुत चिढ़ मच रहा है क्योंकि वो जिंदा कैसे है यार। और जिंदा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, वो जिंदा है अच्छी बात है, लेकिन इतना गंदा रीज़न दिया है ना ओडा ने उसके सर्वाइव करने का, एकदम फुद्दू रीज़न। लॉ ने पहले काटा था तो शायद वो अच्छे से चिपकाया नहीं था इसको। लमाओ इस वे में तो लॉ को लूफी लोग को भी काट देना चाहिए, फिर काइडो मार भी देगा तो बच जाएंगे कैसे भी, किस्मत तो वैसे भी उनका चुम्मा है। एक्सक्यूज़ के नाम पर जो हग्गी हुआ है यहाँ पर किनेमोन के साथ, खराब लगा। कीको जिंदा है और अच्छी बात है वो जिंदा है, एंड गेस व्हाट, और कौन जिंदा है, कांजुरो भोसड़ी का। मैं बता रहा, जो लोग भी डेंजरो को स्ट्रॉन्गेस्ट अकाजाया मानते थे ना, कांजुरो को मानना चालू कर दो, साला यही है टॉपेस्ट टीयर। बाकी अकाजाया के साथ अगर कांजुरो भी काइडो से लड़ने जाता ना तो अभी तक मर गया होता काइडो। ये भोसड़ी का कब तक जिंदा रहेगा पता नहीं। चूतिया ने ओरोची के कहने पे अपना पूरा जान लगा के लास्ट ड्राइंग बनाया है इस चैप्टर में, और मैं बता रहा अभी भी ये जिंदा ही होगा 100%, देख लेना पक्का। कांजुरो को अभी भी जिंदा देख के मेरे को दूसरी बार खराब लगा इस चैप्टर में। यार ओडा को ना एक्चुअली डेथ्स दिखाना चाहिए, किनेमोन वाला तो बहुत डम रीज़न था, और अगर तुम सोचने जाओ तो अभी तक वानो में कोई मरा है, मेरे को नहीं लगता। साला काइडो ओरोची मोमो शिनोबू अकाजास लूफी सुपरनोवा सबको हरा सकता है लेकिन मार नहीं पा रहा, इतना किस्मत देख के अच्छा नहीं लग रहा सही बता रहा। मतलब क्या हुआ योंकोस का जब साला उनसे एक बंदा नहीं मर सकता, तो एक बच्चा नहीं मर सकता तो। वेल कांजुरो ने जो भी बनाया है आग का डीमन टाइप्स कुछ, वो बढ़ लिया बॉम्ब्स की तरफ जिसको डिफ्यूज करने गई हुई है यामाटो, एंड आई एम श्योर ये बॉम्ब्स नहीं फटने वाला, हाइप बना रहा टाइम पास से बस, आई एम 100% श्योर। मोमो एक पैनल पे दिखा और वो पूरी कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा फ्लेम क्लाउड्स बनाने की, वो अलग बात है कि उससे नहीं बन रहा बट स्टिल कोशिश तो कर रहा ना वो। CP0 फाइनली उठ गए हैं अपने वो बोरिंग रूम से, शायद उनका वो गेम खत्म हो गया है जो उन लोग खेल रहे थे, फट गई होगी सालों की, या फिर रॉबिन को पकड़ने जा रहे होंगे लेकिन अपना ही पकड़ लेंगे। लूफी का एक पैनल दिखा जिसमें वो इंटरनल डिस्ट्रक्शन यूज करते हुए दिखा, काइडो भी हाइब्रिड फॉर्म में दिखा, जोरो किंग सांजी क्वीन भी दिखे एक एक पैनल में, इतना कुछ उनका दिखा नहीं वैसे। यामाटो भी दिखी थोड़ी सी, छोटा सा ही झलक बट सबको देखकर अच्छा लगा। और सेकेंड हाफ इस चैप्टर का एकदम ही स्वाद, मतलब भाई चुम्मा।
मैंने पिछले चैप्टर में बोला था कि किड को देख के लग रहा है कि वो कुछ हरकत करने वाला है, मे बी वो इन्फ्यूजन करेगा, लेकिन मैं अवेकनिंग को ऐसा पॉसिबिलिटी क्यों नहीं रखा था मेरे को नहीं पता। लॉ किड दोनों ने ही अवेकन कर लिया अपने डेविल फ्रूट को, एंड आई लाइक द वे इन लोग अभी भी अच्छे से उसको यूज़ नहीं कर सकते, अनलाइक सम कैरेक्टर जो किसी पावर को पहली बार यूज़ करके आधे घंटे लगातार उसको यूज़ कर पा रहा है लूफी। किड के डेविल फ्रूट का अवेकनिंग देख के मैं सरप्राइज नहीं हुआ, सराउंडिंग्स के किसी भी चीज़ को वो मैग्नेट बना सकता है, बट लॉ का अवेकनिंग उसको देख के मजा आया। क्रीम, आई एम एक्साइटेड यार, एनिमे में सुनने में बड़ा सेक्सी लगेगा। और हाँ, तुमने ध्यान दिया कि लॉ जब भी रूम करता है वो एक बहुत बड़ा सा सेमी सर्कल सा बनाता है अपने हाथों से, लेकिन क्रूम में लॉ एक कंप्लीट सर्कल स्पीयर बना सकता है और एकदम छोटा स्पीयर बना के वो अपने स्वॉर्ड को उससे कोट कर सकता है, जिसकी हेल्प से लॉ कैन एक्चुअली गिव इंटरनल डैमेज। ये एक्चुअली इंटरनल डिस्ट्रक्शन रियू जैसा ही है, बट आई थिंक ये उससे पावरफुल है एंड ऑब्वियसली इसको लॉ ही बस कर सकता है। सरप्राइजिंग चीज़ ये लगा कि इससे लॉ ने बिग मॉम को हर्ट किया ट्रूली वाला, और वो मुंह से खून उगली थोड़ा सा। लास्ट में उसको किड ने मैग्नेट बना दिया, एंड आई लाइक कि कैसे किड खुद भी उससे चिपके जा रहा था, लॉ ने उसको बचा लिया वरना वो भी चिपक जाता बिग मॉम से। इसी सीन के साथ चैप्टर एंड हुआ, बट क्या तुम्हें लगता है कि बिग मॉम को ये दोनों अभी भी हरा सकते हैं? इन्होंने अभी तक उसको डैमेज करने का एक तरीका खोजा है, बस बिग मॉम स्टिल इनकी गुद्दी तोड़ देगी, आई एम 100% श्योर। ये तो मैं एकदम आँख बंद करके बोल सकता कि बिग मॉम अभी इनसे बहुत स्ट्रांग है। मेरे को लग रहा है ना कि अभी इनको देख के बिग मॉम भी अपने अवेकनिंग दिखाएगी और इनके सामने उसको यूज करके फ्लेक्स करेगी। मेरे को ना देखने का है पता है बिग मॉम का अवेकनिंग क्या पता वो अपने अवेकनिंग में पूरे ओनिगाश में कोई अपना होमी बना ले, या फिर मे बी किड के लोहे को और लॉ के स्वॉर्ड को अपना होमी बना ले, जो कि बहुत कूल लगेगा देखने में। और हाँ, लॉकेट के फ्लैशबैक वाले कन्वर्सेशन को देख के लग रहा था कि दोनों ने ना बहुत पहले ही डेविल फ्रूट को अवेकन कर लिया था। आई थिंक बिग मॉम से लड़ते लड़ते ही इनका डेविल फ्रूट अवेकन हुआ है। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है तो अच्छा है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मस्त एक ही हफ्ते वेट करेंगे। आई थिंक कि शायद से काइडो और लूफी का फाइट देखने को मिलेगा अपने को नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन बिग मॉम के पावर्स देखने का मेरे को तो बहुत मन कर रहा है, और मेरे को देखने का है यार, मेरे को देखने का कैसे भी। तो मैं चाहता है कि यही फाइट पे ध्यान दे ओडा। जो ओडा ने किनेमोन के जिंदा होने का फुद्दू रीज़न दिया वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, और कांजुरो को देख के बहुत बेकार लगा। बाकी चैप्टर मस्त आग था एकदम चुम्मा। एंड दैट्स इट, यहीं तक था वीडियो। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन खानदानी परंपरा। बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वीडियो का कमेंट्स में बताओ, वीडियो का नहीं चैप्टर का बताओ, ठीक है? वीडियो का तो तुम्हें पता है कि मुझे पता है कि तुमको कोई बेस्ट पार्ट लगता ही नहीं है, आई एम सच अ लेम क्रिएटर। जो भी है बिली बिली कॉमिक्स को चेक कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम को भी, डिस्कॉर्ड मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी दिवाली आने वाला है तो वीडियो आना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता है ना भाई, मतलब भाई अभी आया नहीं है और अभी से फटाके फोड़ रहे लौंडे, तो सोचो भाई दिवाली में क्या ही फोड़ेंगे। लेकिन मैंने एक वीडियो को ऑलरेडी वॉइस रिकॉर्ड कर रखा है, एडिट करना है बस उसको, तो मैं एडिट करके 2-3 दिन के अंदर लाता है उसको, ठीक है? और वो वीडियो तुमको आई थिंक तुमको अच्छा लगेगा। जल्दी 2K सब्सक्राइबर्स कराओ बे, 2K में मैं अपना चेस रिवील करने वाला है। और अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय, सायोनारा। 死んだよ